सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टेक टिप को और बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट एप्लीकेशन गेम और टेक न्यूज के बारे में हिंदी में जानने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों यहाँ पे लेनोवो के 8 नोट जो है वो लॉन्च करने के बाद अपना एक नया स्मार्टफोन इसी महीने में जो है वो लॉन्च करने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपसे उसी स्मार्टफोन के बारे में जो है वो बात करने वाला हूँ, और वो जो स्मार्टफोन है वो लेनोवो के 8 नोट से थोड़ा लोअर वर्जन जो है वो होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक टिप में। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों जो लेनोवो के 8 नोट है वो अगस्त महीने के कुछ जो है दूसरे हफ्ते में जो है वो लॉन्च हुआ था, और उस स्मार्टफोन के अंदर हमको जो है वो काफी सारे अच्छे स्पेसिफिकेशन जो है वो हमको मिल जाते थे। उसमें हमको जो है वो बैक के अंदर ड्यूअल कैमरास मिल जाता था, बाद में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता था, बैटरी लाइफ भी बहुत ही अच्छी थी, और बाद में गोरिल्ला ग्लास का भी सपोर्ट जो है वो मिल जाता था, और रैम वेरिएंट भी और स्टोरेज के मामले में भी दोस्तों वो जो फोन है वो बहुत ही अच्छा था। तो दोस्तों लेनोवो के 8 नोट जो है वो लॉन्च करने के बाद लेनोवो 6 सितंबर को अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, और वो भी इसी सीरीज के अंदर का नाम होने वाला है लेनोवो के 8 प्लस। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है वो 6 सितंबर को शायद जो है वो इंडिया के अंदर लॉन्च हो सकता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें उस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो उसमें आपको मिलने वाली है 5 इंच की आपको उसमें HD दोस्तों डिस्प्ले मिलने वाली है। और दोस्तों यहाँ पे अगर उसके प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इसमें भी दोस्तों आपको जो वो MediaTek का जो प्रोसेसर मिलने वाला है। लेनोवो के 8 नोट में भी आपको जो MediaTek का X23 जो प्रोसेसर मिलता था, और यहाँ पे भी दोस्तों आपको जो MediaTek का प्रोसेसर मिलने वाला है, और वो जो प्रोसेसर होने वाला है वो शायद P25 या फिर X20 जो है वो प्रोसेसर दोस्तों हो सकता है। और यहाँ पे अगर रैम वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको जो वो 3 GB की रैम और 32 GB की जो वो इंटरनल स्टोरेज दोस्तों जो है वो मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पे हमको जो वो मालूम नहीं हुआ है कि यहाँ पे हमको कैमरा कौन से मिलने वाला है, और दोस्तों बैटरी लाइफ जो है वो कौन सी होने वाली है। लेकिन दोस्तों ये जो फोन होने वाला है वो 8,000 से लेकर 10,000 रुपए के बीच में जो है वो स्मार्टफोन दोस्तों होने वाला है। तो दोस्तों ये 8,000 और 10,000 रुपए के बीच में स्मार्टफोन के अंदर जो हमको काफी सारे दोस्तों अच्छे ऑप्शन नहीं मिलते, तो अब देखना ये रहेगा कि लेनोवो के 8 प्लस जब 6 सितंबर को जो है वो लॉन्च होता है तो कौन से स्पेसिफिकेशन के साथ होता है, और उसके अंदर जो MediaTek का दोस्तों अगर प्रोसेसर हुआ तो ये जो फोन है वो शायद दोस्तों इतना जो वो मार्केट के अंदर पॉपुलर नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों उसमें कैमरा अच्छा होना चाहिए और बैटरी लाइफ दोस्तों बहुत ही जो है वो अच्छी होनी चाहिए, तो ही जो है लेनोवो के 8 प्लस दोस्तों मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत जो वो कमाल करके दिखाने वाला है। क्योंकि लेनोवो के 8 नोट है उसके कॉम्पिटिशन में दोस्तों बहुत सारे जो है फोन लॉन्च हो गए, क्योंकि कूलपैड 6 हो गया है, बाद में मोटो G5S+ दोस्तों लॉन्च हो गया, और Xiaomi भी अपना नया फोन जो ड्यूअल कैमरा वाला फोन लॉन्च करने वाला है, शायद जो है वो Mi 5X दोस्तों हो सकता है। दोस्तों अब देखना ये रहेगा कि ये लेनोवो के 8 प्लस इंडिया के अंदर लॉन्च होने के बाद क्या कमाल करके दिखाता है, और ये जो स्मार्टफोन होने वाला है वो 8,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए के बीच में जो है वो होने वाला है, और इसकी जो स्पेसिफिकेशन होने वाला है वो भी कुछ बेसिक से जो है वो होने वाला है। तो दोस्तों आप मुझे बताएं नीचे कमेंट्स में कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि लेनोवो के 8 प्लस के जो स्पेसिफिकेशन है वो कौन से होने चाहिए, और क्या वो मोटो E4 प्लस से जो है वो बेहतर हो सकता है या फिर Xiaomi कुछ डिवाइसेस से जो है वो बेहतर हो सकता है। क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर मतलब 10,000 रुपए से 8,000 रुपए के लेके बीच में अंदर हमको जो मोटो E4 प्लस मिल जाता है या फिर Xiaomi के जो है कुछ डिवाइसेस दोस्तों मिल जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। तो फिलहाल वीडियो बस इतना ही, आई होप दोस्तों आपको बहुत पसंद आएगा, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे वीडियो कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ही इसी तरह के वीडियोस लेके आता रहता हूं। मैं दीप, आपसे जल्दी मिलूंगा एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, सेम प्लेस सेम चैनल टेक टिप। थैंक यू, जय हिंद।